वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज का इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कहीं भी अगर जेसीबी पे अगर आप कहीं पे काम करते हो, जैसा कि भट्टा लाइन है, तो भट्टा लाइन पे क्या क्या काम होता है। जैसे कि कहीं पे अगर आप अगर ईंट भट्टे पे जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या काम अक्सर होता है इसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में खास करके यह दिखाएंगे कि अगर ईंट में अगर कलर कैसे बनाया जाता है। जैसा कि बालू कई प्रकार का होता है, एक उजला बालू होता है, ठीक है, और एक लाल भी होता है, तो दोनों को कैसे जेसीबी का बकेट से मिक्स किया जाएगा इसके बारे में बताएंगे। वीडियो में बने रहे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिए, तभी आप लोग कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइस, वीडियो में ना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि जेसीबी मशीन से मिक्स किया जा रहा है, यानी कि बकेट से दो बालू है, जैसा कि एक रेड है और एक वाइट बालू है। तो इसको आप लोग इसे रेत भी बोल सकते हो, जो भाई को बालू पता नहीं है वह रेत समझे, क्योंकि यह वीडियो में मैं यह दिखाने वाला हूँ कि कैसे बकेट से आप इसे मिक्स कर सकते हो। यह वीडियो देखने से आप लोग भी सीख सकते हो कि कैसे मिक्स किया जाता है, कभी इस तरफ से लेकर के, कभी उस तरफ से लेकर के, और दोनों को मिक्स किया जाता है एक बराबर से, ठीक है। जैसा कि यह वीडियो देखने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और यह जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को यह सीख मिलेगा कि कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, जैसा कि रोड लाइन में जाते हो, कहीं पे रोड बनता रहता है और वहाँ पे मुर्रम को मिक्स किया जाता है गिट्टी से, तो यह वीडियो देखे रहोगे और आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे मिक्स किया जाता है, तो आप लोग भी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कभी फेल नहीं होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ठीक है। जैसा ही गाइस, आप देख सकते हो कि जेसीबी मशीन आपको मैं बता दूं, देख सकते हो, और ये जो स्टेबलाइजर देख के मत चौंकना गाइस, क्योंकि यह जो है 4DX मशीन में, और पहले जो मशीन आता था उसमें ज़्यादातर यह स्टेबलाइजर देता था जो कि उठता है ऊपर, ठीक है गाइस। इस वीडियो में आप देख सकते हो, बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा कि एक वाइट वालू है और एक रेड वालू है, उसको कैसे मिक्स किया जाता है। देखो, यहाँ पे बूम लगाया और बकेट से उठाया, और इसको उठा के डायरेक्ट ऊपर में गिराएंगे, जो सबसे ऊंचा है उस पर गिराएंगे, तो दोनों मतलब भकड़ भकड़ के मिक्स होता रहता है, तो इसीलिए दोनों मिक्स हो जाता है आपस में, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आप लोग भी अगर काम करने के लिए जाते हैं, काम पे जाते हैं, अगर आप लोगों को यही करना होता है, जैसा कि आप अगर कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में गए, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही आप चले गए और आपको बोलेगा मुर्रम को और गिट्टी को या मिट्टी को, दोनों को मिक्स करके दो, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे मिक्स करना है, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो खास करके यह वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ आप लोगों के बीच में, कि कैसे दो चीज़ों को आप मिक्स करते हो जेसीबी मशीन से कर सकते हो, ठीक है। और गाइस, मैं पकमेल वाला वीडियो मैं कल बताऊंगा कि कैसे पकमेल का गड्ढा जो है, गड्ढा रहता है पकमेल का, और उसमें कैसे मिट्टी को गिराया जाता है और कैसे मिक्स किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो गाइस, पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बीके राज भाई, आपका वीडियो कैसा था, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि पहले मैं इसका मैं आप लोगों को मैं बता दूं, देख सकते हो, फिर से मिट्टी उठाया और बिल्कुल ऊपर जो है डाल